हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रेलवे ट्रेन इन्फॉर्मेशन जोन। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 12894 बलांगीर भुवनेश्वर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, इस ट्रेन के ट्रैवल टाइमिंग, इसकी एवरेज स्पीड, इसके फेयर, इसकी ऑल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को कमेंट किया है भारती मिश्रा जी ने और रेन ऑफ ट्रेन नॉलेज जी ने। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग भी प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो को कैसी लगती है और आप किस ट्रिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 12894 बलांगीर भुवनेश्वर सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, इस ट्रेन के ट्रैवल टाइमिंग की अगर बात करें, दोस्तों ये ट्रेन 7 घंटे 10 मिनट का समय लेती है 397 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर करने में। इसके बीच में इस ट्रेन के 15 हॉल्ट्स पड़ते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकती है। दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, ये एक सुपर फास्ट टाइप ट्रेन है। दोस्तों, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा देख की जाती है। दोस्तों, ये ट्रेन सातों दिन बलांगीर से जंक्शन से रवाना होती है भुवनेश्वर के लिए। दोस्तों, इस ट्रेन के जो कोच है, सारे कोच जो है दोस्तों ICF रेक है, ICF टाइप्स है। दोस्तों, इस ट्रेन में जनरल क्लास, नॉर्मल चेयर कार और AC चेयर कार के कोच होते हैं। दोस्तों इस ट्रेन का जनरल क्लास का जो फेयर है वो है ₹141 बलांगीर जंक्शन से भुवनेश्वर तक का। दोस्तों, जो नॉर्मल चेयर कार का जो फेयर है वो है ₹160। दोस्तों, जो AC चेयर कार का जो फेयर है वो है ₹575। दोस्तों, अब हम इस ट्रेन के टाइम टेबल हॉल्ट्स की बात करें तो दोस्तों ये ट्रेन बालांगीर जंक्शन से दोपहर के 2:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है लोई सिंघा में। यह ट्रेन शाम के 3:01 पर पहुंचती है, 3:02 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 19 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बरपाली। बरपाली में ट्रेन शाम के 3:30 पर पहुँचती है, 3:32 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 57 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बड़गढ़ रोड में। यहाँ पे ट्रेन शाम के 3:47 पर पहुँचती है और 3:49 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पे ट्रेन 76 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है हीराकुड में। यह ट्रेन शाम के 4:20 पर पहुँचती है, 4:22 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 111 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है संबलपुर जंक्शन पर ट्रेन शाम के 4:40 पर पहुँचती है, 4:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 118 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है संबलपुर रोड में। यह ट्रेन शाम के 4:55 पर पहुँचती है, 4:57 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 120 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है रेड़ाखोल में। ट्रेन शाम के 5:55 पर पहुँचती है, 5:57 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉप 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 190 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बामूर में। यह ट्रेन शाम के 6:11 पर पहुँचती है और 6:12 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 205 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है बोइंडा में। ट्रेन शाम के 6:38 पर पहुंचती है, 6:40 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 236 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है अनुगुल में। ट्रेन शाम के 7:27 पर पहुंचती है, 7:29 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर यह ट्रेन 275 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है तालचेर रोड में। ट्रेन शाम के 7:39 पर पहुंचती है और 7:41 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 287 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो था मेरा मंडली में। यह ट्रेन शाम के 7:57 पर पहुँचती है, 7:58 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 302 किलोमीटर की अपनी जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है ढेकानाल में। यह ट्रेन रात के 8:29 पर पहुंचती है, 8:31 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 336 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होता है वो होता है नाराज मार्थापुर। यहाँ पर ट्रेन रात के 9:16 पर पहुँचती है, 9:17 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 373 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जो सेकंड लास्ट स्टॉपेज होता है वो होता है मंचेश्वर
मंचेश्वर में यह ट्रेन रात के 9:42 पर पहुँचती है, 9:43 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 मिनट का होता है। यहाँ पे ट्रेन 390 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वो होता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में यह ट्रेन रात के 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँच जाती है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेन 397 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से ये ट्रेन आगे नहीं जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो को कैसी लगी, आप और किस ट्रेन के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।